ये एक बिजनेस ऐसा बिजनेस होने वाला है जिसकी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो चाहे बचपन से लेके 55 तक। हम लोग बोलते हैं, कहावत है छोटा सा, कि बचपन से लेके 55 तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हमारा कॉलेज हो या स्कूल्स हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना हमारा ना लाइफ चलने वाला है, ना ही हमारा घर चलने वाला है। अगर एक घर की गृहिणी भी है, उसको भी अगर कुछ लिखना है, लिख के रखना है, तो भी नोटबुक की ज़रूरत है। अगर बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, तो भी इनकी ज़रूरत है। अगर ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, तो भी उनको ज़रूरत है। यानी कि हर जगह इसकी ज़रूरत है ही है। तो हंसी क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बिजनेस के रिलेटेड। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस आपके लिए लेके आ गया था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लाइक गाइज, आपको बताता हूँ, नोटबुक बेकिंग मशीन का बिजनेस। गाइज ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी ज़रूरत हमेशा बढ़ती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसको नोटबुक की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। गाइज अब चलते हैं, बताता हूँ मैं। आज मैं आया था ASB इंजीनियरिंग पे, आज हमारे साथ हैं अजीत सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। तो सर बताइए हमें अपनी कंपनी के बारे में, और जो आज हम कवर करने वाले हैं नोटबुक मेकिंग मशीन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर हमारी जो कंपनी है ASB इंजीनियरिंग है। ओके। यानी कि हमारा फुली इंजीनियरिंग रिलेटेड काम है। बिल्कुल सर। यानी कि सारी मशीनें, जो भी हम मशीनें सेल करते हैं, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। बिल्कुल। और कुछ हम मशीनें मतलब बना के इनोवेटिव आइडियाज भी इनकी मशीन्स में रहते हैं। लाइक आज की वीडियो में हम कवर करने वाला है नोटबुक मेकिंग मशीन। तो इसकी पूरी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, लागत क्या है, प्रॉफिट क्या, कितना आप पर डे अर्न कर सकते हैं। और मैं गाइज एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने पहले ही बताई थी कि गाइज ऐसा बिजनेस है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ जी बिल्कुल सर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को पूरी देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये नोटबुक मशीन है। नोटबुक मशीन में मिनिमम 3 मशीनें होती हैं। okay. जिसमें से जो सबसे पहली मशीन है वो कटिंग मशीन है। okay. ऐसे ये मैनुअल भी काम करती है और सेमी ऑटोमेटिक भी। अगर हम मोटर लगा दिए वहाँ नीचे, जैसे मोटर चल रही है, ठीक है, तो वो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो जाती है। okay. और वहीं अगर मोटर हम हटा देंगे तो ये मैनुअल मशीन भी काम करेगी। बिल्कुल, यानी कि 2-in-1 ये काम करती है। अच्छा सर, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है हमारा नोटबुक बनाने का, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? और सबसे पहला जो वही प्रोसेस होता है कि हम पेपर को पहले शेप देते हैं। शेप देते हैं जी, बिल्कुल। पेपर को हम लोग शेप देते हैं, और शेप देने के लिए हम लोग कटिंग मशीन का यूज करते ठीक हैं। हमारे जो हम सामने मशीन देख रहे हैं, ये कटिंग मशीन है। ओके। इस मशीन को हम लोग इस मशीन के द्वारा शेप देते हैं पेपर का। ठीक है, ये कटिंग मशीन होती है। बिल्कुल। और किस तरीके से कटिंग होती है हमारी, ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये ब्लेड होता है। हाँ जी, ये ब्लेड जैसे यहाँ से इसको नीचे किया जाता है, तो ये ब्लेड अपने आप नीचे आके और फिर अपने आप ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये देखिए, मतलब इस तरीके से जो ये कटिंग्स आप देख रहे हैं पूरी शेप में इसी से करी जाती है, और जो साइज वाइज साइज होते हैं वो खुद ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे हमने पेपर को देखिए, इसमें मैं डालता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी विड्थ भी है। बिल्कुल। और ये पीछे से आप देख सकते हैं, ये आगे और पीछे आती है। हम जितना भी चाहें पीछे कर सकते हैं, और जितना भी चाहें इसको आगे। अच्छा, ले ये सकते हैं। डिपेंड्स ऑन साइज, किस तरीके का साइज है आपकी नोटबुक का, वो सारा आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। जी सर। और लेकिन इस चीज़ का सेफ्टी का बहुत ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, सेफ्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम लोग यहाँ से हैंडल नहीं दबाएंगे, okay. वो ना नीचे गिरेगी ना ऊपर जाएगा। ओके okay. अब ये चीज़ इतना करने के बाद, जैसे ही हम लोग इसको आपने हैंडल प्रेस करा, ये हमारा ब्लेड कटिंग करके ओके okay. और ये ऊपर चली जाती है। ओके okay, तो ये देख किस तरीके से कटिंग, अब इस तरह से ये कटिंग का कट करके, और ये आपका शेप बिल्कुल रेडी हो जाता है। बिल्कुल, ये रेडी हो जाता है। ये आपके नोटबुक्स तैयार हैं। तैयार। बाकी और भी इसके जो प्रोसेस है मैं वो भी मशीन दिखा दे रहा हूँ। अच्छा सर, हमारी जो प्रोसेस में जैसे आपने बताया, पहले शेप दी जाती है। बिल्कुल, पहले शेप दी जाती है। जैसे हमें बड़े बड़े पेपर्स वगैरह लेके और उसको कटिंग करते हैं इसमें। ठीक है। कटिंग करने के बाद हम लोग सेकेंड थिंग में आते हैं, स्टिचिंग पे। स्टिचिंग पे। बिल्कुल, ये स्टिच करता है ये जो। एक तो मैनुअल कौन कौन सी होती है हमारे साथ स्टिचिंग में, हमारे पास स्टिचिंग में तो एक तो मैनुअल मशीन है। हाँ। और एक ये जो देख रहे हैं ऑटोमेटिक है, जिसमें पीछे में मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है हमारी स्टिचिंग वाली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये इस तरीके से स्टिचिंग में मीन्स ये जो पिंस आप देख रहे हैं इसको स्टिचिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग स्टेपलर का यूज करते हैं ना घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सेम टू सेम यही चीज है।
आपका ये स्टिचिंग का काम करता है, ये जो स्टेपल है ये पिन होता है, ये वायर होता है और इस वायर के द्वारा जो है स्टेपिंग का काम होता है। बिल्कुल, ये इस तरीके की मशीन होने वाली है। ये ऐसे हैंड से भी चला सकते हैं, पैर से भी चला सकते हैं। ये मैनुअल प्रेसिंग, मैनुअल प्रेसिंग, और वो हमारी जाएगी मोटर, वो ऑटोमेटिक प्रेसिंग है, बट इसमें भी हल्का सा बस एक तरह से टच स्क्रीन है ये। अच्छा, हल्का सा करेंगे तो ये हमारा काम करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करने वाली, वर्क करता है। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी नोटबुक मेकिंग मशीन होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए, कि इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, लागत क्या है और प्रॉफिट कितना हो सकता है सर? सर, लागत का जहाँ तक बात है, लागत इसमें स्टार्टिंग जो हम लोगों का रेंज है ना, 1,40,000 से स्टार्टिंग है। ओके। 1,40,000 से हमारे यहाँ से मशीन लेके आप नोटबुक बनाने की प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। इस पे आपका जो भी नाम लिखना होगा, जो भी चीजें करनी होगी, वो सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। और सर, मेन दिक्कत आती है, मशीन तो हमने ले ली, रॉ मटेरियल के लिए कुछ? रॉ मटेरियल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जहाँ भी मशीनें जाएंगी उसके हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पेपर मिलते हैं। अगर उन्हें आप पेपर, सजेस्ट भी कर दोगे सर? बिल्कुल, हम सजेस्ट करेंगे, डीलर वगैरह का नाम वगैरह सारा कुछ हम लोग दे देते हैं, फिर भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो हम अपने द्वारा ही उनको मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिए, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। कॉस्ट की बात बताई थी हमने, 1,40,000 से स्टार्ट हो जाती है, 1,40,000 से स्टार्टिंग है और उसके ऊपर जितने रेंज में जाएंगे, ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक, मैनुअल गुड डालोगे उतना बेटा होगा। और सर, इसमें कॉस्ट हमारी पड़ गई, ठीक है, अगर हमारे व्यूअर्स जो मंगवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को करने के लिए, नोटबुक के लिए, अगर मान लो लोकल मार्केट में ब्रांड अप्रूव कराने जाते हैं, तो सर ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है हमारे पास? सर, ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी की बात है, अगर ये मशीन जाती है तो पूरी तरह से लक्कड़ पैक में हम लोग देते हैं, जैसे वहाँ पे रखी हुई है वो पूरी तरह से। एक मिनट, मैं दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से पूरी प्रॉपर वुडन पैकिंग होती है हमारे प्रोडक्ट्स की, जो भी मशीन आपको भेजी जाएगी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में सर डिलीवरी हो जाएगी? ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम डिलीवर कर सकते हैं इस मशीन को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब सर हम कह सकते हैं ये बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। बिल्कुल गारंटी देते हैं कि 20% का मार्जिन इसमें कभी भी रहेगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में तो आई थिंक मैं कहूँ, एक कहूँ ना कि नोटबुक चाहे बच्चे हों, बचपन से लेकर बचपन सबको जरूरत, अभी सब भी हम भी यूज़ करते हैं, बेशक हमने पढ़ाई छोड़ दी है, बेशक वी आर वर्किंग, बट इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली, आपको चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, स्कूल्स हो, हर जगह। ये अभी लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में पूरा इंडिया का लॉकडाउन हो रखा है, अब उस लॉकडाउन में भी जो माँ बाप हैं वो तो घर में ही है ना, तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी कि नोटबुक की जरूरत क्लासेस ऑनलाइन चलनी है, उसी है? तरह से आपको नोटबुक बनी हुई है, जरूरत बनी हुई है, जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी है, यानी कि इसका मार्केट आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रोडक्शन तो हमारा, चलो लागत लगा, मतलब प्रोडक्शन क्या होने वाला है, मतलब आउटकम कितना आने वाला है सर? मिनिमम जो है पर डे का हम देखें, 1.5 लाख की, जो 1,40,000 की मैंने मशीन बताई जी, अगर उसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो कम से कम उसकी प्रोडक्शन 3,000 पीस 8 घंटे की है, यानी 8 घंटे में कोई भी बंदा 3,000 पीस बना सकते हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा। और 3,000 पीस बनाने का मतलब है, मैंने बताया कि 20% की मार्जिन आराम से है, आराम से, यानी कि एक अगर कॉपी वो सेल करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 रुपए का मार्जिन हो जाता है। अगर 3,000 कॉपी हो रही है और 3,000 कॉपी में 1 रुपए की भी मार्जिन आप लेके चलते हैं, ये तो 3,000 रुपए आपको पर डे बताया, बिल्कुल मिनिमम है, और 3,000 रुपए पर डे, पर डे, पर डे, यानी कि 90,000 का मंथली हो गए 1.5 लाख रुपए लगा के। मार्केटिंग वो आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर से आप गाइड कर सकते, मतलब सर आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल, कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे लाइफ टाइम एएसबी इंजीनियर ऑलवेज आपके लिए रेडी है। बिल्कुल रेडी है सर। ठीक है। अच्छा सर, एक बार जैसे हम एंड करने से पहले वीडियो को एक बार बता दीजिए, यहाँ की लोकेशन क्या होगी आपके ऑफिस की सर? हमारा जो मशीनों का पूरी ये है, वेयर हाउस है, ऑफिस है, ये नागलोई में है, नागलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास आप आके और वहाँ से बस 2 मिनट का हमारे पास पहुँचने का। बिल्कुल, बाकी मैं मैप मेन रोड पे ही है, लोकेशन एड्रेस सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जी जी। बाकी गाइस, आपको एक चीज़, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं सर,
मशीनों की खुद हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और डीलर्स को भी हम देते हैं, रिटेलर्स को भी देते हैं, और हमसे जेन्युइन मशीन और हमसे जेन्युइन रेट कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कि अगर आप चाहते हैं बल्क क्वांटिटी में डील करना सर, जैसे हमारा नोटबुक मशीन हो गई, नोटबुक मेकिंग मशीन, इसके अलावा और भी मशीन अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारे पास जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मशीनों का जाखीरा है। बिल्कुल बिल्कुल, खजाना कह सकते हैं, हम खदान बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो है हमेशा कुछ नया ले काफी टाइम से इस मार्केट में। हाँ सर, हमारा जो है मशीनरी का काम लगभग 15 सालों से चल रहा है और हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन वाली मशीनें देते हैं। अगर उनको बिजनेस करनी है तो वो सेटिस्फाइड होंगे, तभी हमारा आगे का काम चलता है। बिल्कुल, तो उनको सेटिस्फेक्शन के लिए हम पूरी तरह से हैवी मशीन बनाते हैं। और ये कटिंग मशीन देख रहे हैं, ये टोटल इसका वेट जो है ना 1050 kg के आसपास है। अच्छा, 1000। और जो स्टिचिंग मशीन होती है मैनुअल ऑटोमेटिक वाली, मैनुअल तो इनकी अलग अलग रेट है। उसके अलावा एज स्क्वायरिंग होती है, ठीक है, जो आपको ये आगे में दिख रही है ये एज स्क्वायरिंग मशीन भी होती है। और उसके अलावा आपका इसमें ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, बहुत सारी मशीन है, वैरायटी बहुत है, जैसे वैरायटी बहुत है। बिल्कुल, जैसे आपको जितना प्रोडक्शन चाहिए, जितना लेबर कॉस्टिंग कम चाहिए, उतना आपका इसमें काम हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि मिनिमम जो है ये मशीनों को लगाने का मतलब है दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने मशीन तो खरीद ली, हाँ हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस? इंस्टॉलेशन के लिए वारंटी भी कुछ है? मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए सर हमारे लड़के जो है डायरेक्टली विजिट करते हैं। okay. जहाँ भी मशीन जाती है वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए हमारा लड़का जाके वहाँ इंस्टॉल करते हैं। अब है। जैसे ये इतनी बड़ी मशीन है तो ऐसे जाना पॉसिबल नहीं है। इस मशीन को 4 पार्ट में भेजा जाता है, वुडन पैकिंग में। ठीक है, ठीक है। और जब 4 पार्ट में भेजा जाता है तो वो जो क्लाइंट होते हैं वो डायरेक्टली इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब तक मेरा लड़का नहीं जाएगा। एक्सपर्टाइज चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हमारे इंजीनियर जाते हैं, मशीनों को इंस्टॉल करते हैं, फुल ट्रेनिंग देते हैं, बनाना कैसे है सारा काम समझाते हैं। ठीक है, और ऑन साइट ही हमारी वारंटी भी होती है। ये नहीं कि अगर मशीन खराब हो गया तो आप हमारे पास लेकर आओ, ऐसा नहीं। बिल्कुल, हमारा लड़का ऑन साइट वारंटी होती है। तो अजीत सर, जैसा कि हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर हम नोटबुक मेकिंग मशीन लगाना चाहते हैं उसके लिए स्पेस कितना चाहिए, क्या लागत होने वाली है, कितना प्रोडक्शन होगा? सर सबसे पहले हम आपको शुक्रिया कहेंगे कि आपने भी समय दिया और हमारे व्यूवर जो हमारे ये कंपनी के बारे में देख रहे हैं, हमारी मशीनों के बारे में देख रहे हैं, उन्हें भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। और ये बिजनेस करने के लिए मैं कुछ डिटेल्स आपको बारीकी चीज़ें बता देता हूँ। okay. कि ये मशीन जो है नोटबुक मेकिंग मशीन हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है जो 1,40,000 से स्टार्टिंग है। okay. यानी 1,40,000 से हमारी मशीनें लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें 20,000 से 30,000 रुपये आपके मंथली कहीं के नहीं गए, इतने मिनिमम आपको आ जाएंगे। इसमें मिनिमम जो बिल्कुल नेसेसरी मशीन है वो है एक कटिंग मशीन और एक स्टिचिंग मशीन। ये दोनों के बिना आपका काम नहीं चलेगा। स्टिचिंग मशीन और कटिंग मशीन आप ले लेते हो तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3,000 पीस के आसपास प्रोडक्शन आ जाता है पर डे। उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉडल आ जाता है, 1,60,000 का भी है, 1,80,000 का भी है, 2 लाख का भी है, 8 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, 15-20 लाख का भी है। यानी कि मैनुअल से लेके सेमी ऑटोमेटिक तक की मशीनें हैं। मिनिमम अगर कोई भी मशीन आप लेते हो स्टार्टिंग से लेके अंत तक, मिनिमम जो है 2 लेबर की आवश्यकता होती है, 2 स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसमें वो चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। okay. हमारा जो लड़का जाता है वो फुल ट्रेनिंग दे देता है, जिसमें वो सारी चीज़ें समझा दी जाती है कि आपको काम कैसे करना है। बिल्कुल, जहाँ तक इसमें स्पेस की बातें हैं, बिल्कुल ये 20x10 यानी कि 20 फीट × 10 फीट के एक हॉल में यानी रूम में आपका ये काम हो जाएगा। okay. यानी कि 20x10 के एक कमरे में आप ये सारी मशीनें लगा के काम कर सकते हो। ठीक है, ये मिनिमम स्पेस चाहिए। और इसके लिए वारंटी भी कवर होती है हमारी? हाँ बिल्कुल, वारंटी वगैरह सारा हमारे पास कवर हो जाएगा। साल भर तक हम जो है मेंटेन करते हैं, ऑन साइट वारंटी देते हैं। और यहाँ इसमें जो इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, यानी कि जो बिजली की आवश्यकता होती है, वो ओनली 2 kW की होती है। 2 kW का कनेक्शन ले लेने पे आप ये काम कमर्शियल या लघु किसी में कर सकते हैं।